अमान, क्या हुआ बच्चों को? दादो। अरे मेरे बच्चे, कैसी तबीयत खराब है इनकी? जवाब दो मुझे, हमाद बोलते क्यों नहीं हो? क्या इसीलिए तुम मुझे और रिदा को इन बच्चों से मिलने नहीं दे रहे थे? ऐसे जब से ये बच्चे इस घर में आए ना कोई धड़का लगा रहता है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। यार ये तो अजाब है निरे, बिल्कुल ठीक कह रही है तू, हमारे सरों पे अजाब नाजिल हो गया इन बच्चों की सूरत में। पहले तो सिर्फ रिदा मुंह उठा के आ जाती थी, अब माँ भी आना शुरू हो गई है। चलते हुए ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा या मेरा ध्यान बटाने कोई हरकत की है? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। देख रजिया, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अगर हमाद ने तुझे मुलाजमत पे ना रखा होता ना तो धक्के दे के बाहर निकाल चुकी होती अभी तक मैं। क्या अम्मी तुम्हारे घर आई थी? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। शुरू कर दो दोबारा अपना ये मासूमियत का नाटक शुरू कर दो। पर मैं अच्छे से जानता हूँ वो तुम्हारे वरगलाए बगैर कभी मेरे घर नहीं आती। हमाद मैं सच कह रही हूँ, मैंने अम्मी को आपके घर नहीं भेजा। बकवास, मेरा इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुमसे, इसलिए अम्मा के कान भरे ना, इसलिए उन्हें मेरे घर भेजा ना तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रिदा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।